कहाँ चिट्टा है हाँ पूरा चिट्टा है शायुल्ला सीना आए लोगों के ईमान लाए हो इन जाओ को मगर आए तुम्हारे पास फासिक उन कोई फासिक वैसे फासिक कहते हैं किसी गुनाहगार को कोई गुनाहगार या यहाँ पर मुराद फासिक का फासिक ही है आए तुम्हारे पास कोई फासिक बिना भाई कोई खबर लेगा पता बच जानू बस तुम तहकीक कर लो अंतसीबू ये कि वो नुकसान पहुँचाए किसी एक कौम को बेजहालतन नादानी में दुस में हो फिर तुम हो जाओगे ऊपर उस चीज़ के पाल तुम जो तुमने किया नादमी पशेमान या शर्मिंदा वालों और तुम जान लो अन्ना बेशक भी तुम्हारे अल्लाह का रसूल है अगर तुम इताअत करो ही कसीर मिनल अमरी उसके ज़्यादा कामों में लानी तुम अलबत्ता तुम्हें तुम्हें तुम इज़ाम में पढ़ोगे लेकिन अल्लाह ताला हब्बा पसंद किया या मोहब्बत डाली तुम्हारी तरफ ईमान की वजह न हो और मुजैन किया उसको जजीना दी उसको या आरास्ता किया उसको भी तुम्हारे दिलों के पकर रहो और नापसंद का और नापसंद किया तुम्हारी तरफ कुफर को और फसूक का और गुनाह को बलसियाना और नाफरमानी को यही वो लोग हैं हिदायत पाने वाले हैं फाजल फजल है मिनल्लाह है अल्लाह की तरफ से बने मतन और नेमत है और अल्लाह ताला जानने वाला हकीम हिकमत वाला है पता ने अगर दो जमाते मोमिनीन मोमिनीन में से वो आपस में लड़ाई करे बस तुम सुलह करवा दो दरमियान उन दोनों के बस फिर बहुत बस अगर एक ज्यादती करे उन दोनों में से एक पर दूसरी के बस तुम लड़ो अल्लाह की वो जो किताब हुई ज्यादती करती है हत्ता यहाँ तक रजू करे अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ बस अगर वो रजू कर ले बस तुम सुलह कर दो दरमियान उन दोनों के साथ इंसाफ के साथ अदल के और इंसाफ के बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को बेशक मोमिन क्या है अख्वातुल भाई अख्वातुल भाई भाई हैं बस तुम सुलह करा दो दरमियान अपने भाइयों के और तुम डरो अल्लाह ताला से शायद कि तुम पर रहम किया जाए आप यहाँ आ जाए या किसी से किताब ले लें आगे आ लोगों जो ईमान लाए हो अगर आए तुम्हारे पास कोई फासिक की खबर लेगा बस बस खूब तहकीक कर लो अंदी हुई के पहुँचे एक मौके नुकसान पहुँचाए किसी एक कौम को नादानी में या जहालत में बस तुम हो जाओगे ऊपर उस चीज़ के जो तुमने किया पशेमान या नादान या नादिर नादिमी से नादिम पशेमान भी हो सकता है शर्मिंदगी भी हो सकती है सारे मतलब हो सकते हैं और तुम जान लो बेशक भी तुम्हारे अल्लाह का रसूल है अगर तुम इताअत करो अगर तुम्हारी इताअत करे भी ज़्यादा कामों में अलबत्ता तुम निज़ाम में पढ़ो लेकिन अल्लाह ताला ने मोहब्बत दी तुम्हारी तरफ ईमान किया और जीना दी उसको भी तुम्हारे दिलों में और नफसात किया तुम्हारी तरफ कुफर को और गुनाह को और नाफरमानी को इसियान कहते हैं नाफरमानी के यही वो लोग वो हिदायत पाने वाले हैं फजल है अल्लाह की तरफ से बने मतन और नेमत है अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है अगर दो जमात मोमिनीन में से आपस में लड़ाई करें बस तुम सुलह करवा दो दरमियान उन दोनों के पर बहुत बस अगर एक ज्यादती करे उन दोनों में से एक ऊपर दूसरे के बस तुम लड़ाई करो अल्लाह की वो जो कि ज्यादती करती है हत्ता यहाँ तक के रजू करे तरफ अल्लाह के हुक्म के बस अगर वो रजू कर ले बस तुम सुलह करो दरमियान उन दोनों के साथ इंसाफ के साथ अदल के और साथ इंसाफ के बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को बेशक मोमिन आपस में भाई भी हैं तुम सुलह करवा दो दरमियान भाइयों के अपने भाइयों के और तुम डरो अल्लाह ताला से शहद के तुम पर रहम किया जाए हम नीचे देखें आए मोमिनों अगर तुम्हारे पास कोई बदकार आए खबर लेकर तो खूब तहकीक कर लिया करें कई नादानी से तुम किसी कौम को जरूर ना पहुँचाओ फिर तुम्हें इतने किए पर ना दे हो
और चार रखो तुम्हारे दिमें अल्लाह के रसूल हैं, वो अगर वो अक्सर कामों में हमारा कहना माने तो तुम्हें इज़ाम में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत दी है और उसे तुम्हारे दिलों में रास्ता किया और तुम्हें तुम्हारे सामने नापसंद कर दिया। कुफर और गुनाह को और नाफरमानी को इन्हीं लोग हिदायत पाने वाले हैं अल्लाह के फसल से और नेमत से। अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। अगर मोमिनों के दो गिरोह बहम लड़ पड़े तो तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो, फिर अगर एक ज्यादती करे इन दोनों में से किसी एक दूसरे पर तो तुम उससे लड़ाई करो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि उनको मेले की तरफ रुजू कर ले, फिर जब वो रुजू कर ले तो तुम इन दोनों के दरमियान अदब के साथ सुलह करा दो और तुम इंसाफ करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। इसके सिवा नहीं कि सब हमें आपस में भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो पहले आया था ना आए लोगों जो ईमान लाया अगर आए तुम्हारे पास कोई पास से चुना कोई खबर लेगा तो इस आयत के क्या पहले पहले शान नज़ूल है, यानी किसी सहाबी के बारे में क्या हुई आयत उतरी। देखिए अब शान नज़ूल आयत नंबर 6 अक्सर मुफसरीन का बयान है कि यह आयत उकबा बिन अबी मुईद के बारे में नाजिल हुई, जिसका मकसद ये है कि कबीला बनी मुस्तरक जब मुसलमान हो गया, एक कबीला था बनी मुस्तरक जब मुसलमान हो गया तो अकद और जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उकबा को भेजा ताकि उन लोगों से क्या करें ज़कात वसूल कर रहे। किन को भेजा? वलीद बिन उकबा को। ये उनके इलाके में पहुंचे तो किसी वजह से डर गए और कबीला से मिले बगैर मदीना वापस जाकर आकर दो जहां से शिकायत की कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मुझे कत्ल करना चाहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर सख्त नाराज़ हुए। बाद रिवायत में है कि आकर दो जहां से ने इरादा किया कि इन लोगों को सरकूबी के लिए लोगों की सरकूबी के लिए एक दस्ता रवाना किया। सरकूबी से क्या मुराद है? सरकूबी सजा देने के लिए और जो बगावत की थी। हाँ उस सरकूबी का क्या मतलब? उन्होंने सजा कहना नहीं माना। हाँ जी और सरकूबी सर कलम करना। हाँ सर कलम कर देना। इन लोगों को की सरकूबी के लिए एक दस्ता रवाना किया। बाज़ रवायात में आता है कि आकर दो जहाँ ने वो दस्ता रवाना करने वो दस्ता रवाना कर लिया। बहरहाल सब इस बात पर मुत्तफिक है कि बनी मुस्तरक के सरदार हारिस बिन ज़रार खुद एक वफ़द लेकर आकर दो जहाँ की खिदमत पहुँचे तो उन्होंने अर्ज किया खुदा की कसम हमने तो वलीद को देखा तक नहीं कि ज़कात देने से इनकार करते। इस पर यह आयत नाजिल हुई। ठीक है किसके बारे में? हज़रत वलीद बिन उकबा के बारे में। आकर दो जहाँ ने एक कबीला बनी मुस्तरक की तरफ उनको भेजा था कि वो ज़कात दे, उनसे ज़कात वसूल करके वो या तो किसी वजह से वहाँ तक ना पहुँच सके और ऐसे ही आकर दो जहाँ से कह दिया कि वो मुझे कतर करना चाहते हैं तो उन्होंने ज़कात देने से भी मैंने ज़कात नहीं ली। तो फिर आकर दो जहाँ से वसलम को जब यह खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने एक दस्ता रवाना किया कि जब ईमान लिए हैं जब मुसलमान हो जाए तो ज़कात किया हुए पर फर्ज बन दिया है ना, लिहाजा क्या करें ज़कात दे। जब उन्होंने इनकार किया था आकर दो जहाँ से वसलम ने एक दस्ता भेजा उनकी सरकूबी के लिए, लेकिन पास रवायत में आते हैं नहीं भेजा। बहरहाल सब इस पर मुस्तरक मुतफिक है कि मुस्तरक के सरदार बिन ज़रार एक वक्त लेकर आकर जहाँ से खिदमत में आए तो उन्होंने सारी बात की क्या कर दी तहकीक कर ली। अब यह आता है कि अगर तुम्हें आप भी आप रिवायत में माशरे में किसी बात का खबर मिले तो ऐसे उसको ऐसे ना खिलाओ बल्कि क्या करो खूब तहकीक कर लो आया ये बात ठीक भी है या नहीं है। आयत का मफहूम इस आयत मुबारक में मुसलमानों को यह तरीन दी गई है कोई फासिक कोई खबर ऐसी ले आए जिसकी कदर अहमियत ना हो, यानी कोई फासिक है या कोई मुनाफिक है कोई ऐसी खबर लेकर आए वो क्या था फासिक था तो तुमने क्या करना उस पर यकीन नहीं करना, उसको सच्चा मानकर अपनी अपनी किताब करने से पहले उसे अच्छी तरह तहकीक और छान भटक कर लिया करो। यानी अब खुदा न खास्ता अगर आपका दर्ज नवाब चला जाता वहाँ पर सरकूबी हो जाता तो फिर क्या होता? ज्यादा मसाइल बढ़ जाते ना तो वो तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाते मुसलमान देखो हम उन्होंने बंदा भेजा नहीं ज़कात के लिए और आप हमारे साथ क्या करने लगे लड़ाई करने लगे तो इस तरह क्या होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया जब भी कोई किसी बात की खबर लो सुनो कोई फासिल की खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक उस पर यकीन ना करो बल्कि उसकी क्या करो खूब तहकीक कर लिया करो। अगर तुम बगैर तहकीक के जल्दबाजी में कोई अमल इसके मुताबिक बैठे तो बाद में पता चले कि खबर झूठी थी तो शर्मिंदगी या पछतावा हो, लिहाजा किसी कार्रवाई से पहले पूरी
तकी को तफ्तीश कर लेनी चाहिए। आयत नंबर 7 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी राय पर अमल करने के लिए कहना, जैसा कि बयान किया है मुफसरीन का इख्तलाफ है तो बने मुस्लिम के मामले में इनके खिलाफ फौजी कदम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतामिल थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाना भी चाहते थे या ना उठाना चाहते थे मुतामिल थे, मगर बाज लोग ने इसरार किए थे फौरन चढ़ाई कर दी जाए, इन पर इन लोगों को तंबीह की जाए तो इस बात को ना भूलो कि तुम्हारे में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, यानी पहले आकर दो जहां से सुनिए करो फैसला सुनो फिर अपना फैसला दो, जो तुम्हारे मसाले को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तुम्हारा ये चाहना कि अहम मामलात में जो रहा तुम्हें मुनासिब नजर है इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर अमल करें, अगर दा जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार है उनको जो रहा मुनासिब नजर है उन पर अमल करें, लेकिन किसी और को अभी इख्तियार नहीं है जब तक कि आकर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म नाफिस ना करें। सख्त बेजा जिसारत है कि आगाज इस बात को वाजी कर दिया गया है, तुम्हारा ये चाहना कि अहम मामलात में जो रहा तुम्हारे मुनासिब नजर है आप आकर दो उसी पर अमल करें, सख्त बेजा जिसारत है गर्ज इस बात को वाजे कर दिया गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब बना दिया और कुफर को उसके बरकस नापसंदीदा बना दिया है ताकि तुम कुफर और अल्लाह से बगावत का एतराफ ना जाओ। ईमान की मोहब्बत और कुफर नाफरमानी से नफरत की अहमियत का वाजे इस आयत में बयान किया गया कि यह अल्लाह का तुम पर एहसान और नेमत है कि वो तुम्हारे दिलों में अब हयात है, इसलिए इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, यानी अल्लाह ताला क्या हमारे दिलों में जिंदा है इस बात पर अल्लाह ताला का क्या कहा जाए जितना शुक्र किया जाए वो कम है। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला जाने वाला हिकमत वाला, यानी अल्लाह ताला का ये फजल और करम कोई अंतिम बात नहीं है, नेमत उसमें जिसको भी देता है हिकमत की बिना पर देता है, यानी अब रिसालत है अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान को नहीं दी बल्कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या देखी कबूलियत देखी, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जब एबिलिटी कबूलियत देखी है तो अल्लाह ताला ने क्या दिया नबियों को क्या दिया रिसालत दी है, वो भी तुम्हारी तरह क्या थे इंसान थे ना, तो अल्लाह ताला की कोई ये बाट कोई अंतिम बाट नहीं है बल्कि ये नेमत उसमें जिसको भी देता है हिकमत की बिना पर देता है। अल्लाह ताला अब हमारे यहाँ कोई नुकसान हो जाता है या कोई हमें फ़ायदा पहुँचता है इसमें क्या होती है अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है, हिकमत की बिना पर इस इल्म की बिना पर देता है जो उसका मुस्तहिक है, वो इस हिकमत की बिना पर या इल्म की बिना पर जो इंसान जिस चीज़ का भी मुस्तहिक है अल्लाह ताला क्या कर देते हैं उसे वो नेमत उज़्मा दे देते हैं। सहाबा की तरीफ अल्लाह ताला आयत है कि इस जुमला में बड़ी वजह से चार माता के अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार सहाबा के दिलों में ईमान की मोहब्बत मैंने पैदा किया है, इन हज़रात की ईमान खुशल होती है भाई मेरे पर मैंने फरिश्ता कर दिया, यानी सबसे किन के दिलों में आकर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है सहाबा कराम के दिलों में, कुफर नाफरमानी और सरकशी से इसके दिलों को मैंने मुतनफ़िर कर दिया, उनमें ना कभी कुफर होगा ना सरकशी होगी कुछ भी नहीं होगा, इसलिए शैतान की कोई वसवसा अंगेज़ी इन्हें राय हक से मुतनफ़िर नहीं कर सकती, यानी इन लोगों की क्या राय हक से कोई चीज़ भी नहीं हटा सकती। मुसलमान के दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करा देने का हुक्म कर पीछे देखें नफरत वहीं ताइफ बताने से देखें अगर दो जमात मोमिनीन से आपस में लड़ाई करें तो सुलह करवा दो, दरमियान उन दोनों के पास अगर एक ज्यादती करे एक उन दोनों में से दूसरी पर बस तुम लड़ाई करो अल्लाह की वजह की ज्यादती करती है हत्ता यहाँ तक रजू करे तरफ अल्लाह तला के हुक्म के पास अगर वो रजू कर ले बस तुम सुलह करवा ना दो दरमियान दोनों के साथ इंसाफ के और साथ अदल के और इंसाफ के बेशक अल्लाह तला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत में ये फरमाया गया कि अहले ईमान में से दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, अब ईमान वाले क्या हैं दो गिरोह क्या करना है आपस में लड़ पड़े बस इन दो गिरोह के दरमियान सुलह कराना मुसलमानों पर फर्ज है, ठीक है सुलह करवा देने का अजर कितना उसका सवाब कितना है। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आकर जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ऐसे अमल पर आगाह ना करो जिसका दर्जा रोज़े नमाज और ज़कात से अफजल है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ज़रूर मेहरबानी फरमाई है मैं तो आपके सुलह करवा देना, लेकिन आज के दौर में हम तो चाहते हैं कि जय मजीद लड़े नहीं, लेकिन अगर दो आपस में लड़ रहे हैं तो उनके दरमियान क्या करवाना है सुलह करा देना, साथ ही बता दें कि दो आदमी के दरमियान फसाद कराना ईमान को मुंड कर रख देता है, यानी ईमान की जड़ को भी क्या कर देता है ख़त्म कर देता है। दोनों गिरोह में से तहकीक के बाद मालूम करना ज़रूरी है कि हक पर कौन है, फिर किसी की बेजा हिमायत ना की जाए, यानी जो इंसान हक पर है चाहे ना हक है दोनों की तरफ से क्या करना है हिमायत नहीं करना, ये ठीक है तुम गलत हो किसी को ये भी नहीं कहना तो फिर सही हो गलत कैसे कहना।
यार एक सही इंसाफ की जो बात है वो काट दे, बार बार उसको ढील देना कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुमने सही कहा है, उसको ठीक एक जो है उसको ढील नहीं देनी ज्यादा, ताकि उसकी दिल आजारी ना हो। जब उसकी दिल आजारी होगी तो वो तो सुलह कराने वाले का दुश्मन बन जाएगा। सरसरी कह देना है कि तुमने ये बात गलत किया, अगर वो मजीद नहीं माना फिर थोड़े से उसकी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए जिसने जुल्म किया हुआ है, वो तो फिर सुलह कराने वाले का दुश्मन बन जाएगा ना। कि हक पर कौन है, फिर किसी की बेजा हिमायत ना की जाए, बेजा एक इंसाफ की बात कहकर खामोश रहे, बेजा हिमायत यानी ज्यादा से ज्यादा उचेत भाव डालना, ये हक पर है, ये हक पर है, तुम गलत बार बार दबाव नहीं डालना उस बात पर, बल्कि इंसाफ से सुलह करवा दी जाए। नंबर 3, सुलह के बाद जो फरीक अहद सुलह को तोड़े तो उसके खिलाफ सुलह ना तोड़े तोड़ने वाले के खिलाफ साथ मिलकर लड़ा जाए, यहाँ तक कि बाकी फरीक सुलह की तरफ लौट आए। ये बात समझ आई है? बड़ा देखे, सुलह के बाद जो फरीक अहद सुलह को तोड़ दे, अब दोनों फरीक ने सुलह कर दिया है, अब एक या दोबारा सुलह को तोड़ना चाहता है, चाहे वो हक पर था चाहे हक पर नहीं था, तो उसके खिलाफ सुलह ना तोड़ने वाले के गिरोह के साथ मिलकर लड़ा ना जाए। अब जो सुलह करने वाला उसके साथ मिलकर हम उसकी तरफ अब दोबारा लड़ पड़े, अब दो गिरोह हैं, दोनों ने सुलह कर लिया, अब इसने दोबारा इनकार कर दिया, बागी बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका साथ नहीं देंगे कि इसके साथ चलो लड़ो, बल्कि फिर दोबारा दोनों के साथ क्या करनी है, सुलह करनी है। ये लड़ाई बागी गिरोह को सजा देने के लिए नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उनको बुलाने के लिए होगी। नंबर 4, अगर बागी सुलह पर अमादा हो तो दोनों के दरमियान इंसाफ से सुलह करवा दी जाए, इंसाफ से सुलह करनी है, चाहे जालिम है चाहे मजलूम है, दोनों का साथ देना है। मजलूम को नहीं देना, और ना ही बात करते होते हैं वो जालिम का साथ देना शुरू कर देते हैं, जो ताकतवर होता है ना बात कर, नहीं बल्कि दोनों में क्या करनी है, इंसाफ के साथ बात करनी है, ताकि दोनों में से दिल आजारी किसी के ना हो। अदल इंसाफ से सुलह करें, ये जुमला भी और तलब है, यानी अगर सुलह करवाते वक्त अदल इंसाफ से काम ना लिया जाएगा, जुल्म और ना इंसाफ से सुलह करवाई जाएगी, तो वो सुलह पायदार साबित ना होगी, ठीक है ना। अदल इंसाफ से करनी है, मैं अदल इंसाफ का मकसद ये है कि एक तरफ हमने मेहनत नहीं करनी है, एक तरफ हमने जोर नहीं देना कि तुम ठीक हो, बल्कि दोनों तरफ क्या करना है, अदल इंसाफ करना है। अगर हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ तो दोनों में है ना, अब ये तो नहीं सोचते एक इंसान में मुसलसल खूबियाँ और दूसरे में क्या मुसलसल खामियाँ हों। मजलूम फरीक मुतमईन नहीं होगा, अपने हक रस्सी के लिए मौका का मुंतजर होगा, जो मजलूम होगा जिस पर जुल्म किया गया है वो मुतमईन तो नहीं होगा, वो फिर दोबारा चाहेगा फिर मौका दोबारा मिले फिर दोबारा क्या हो लड़ाई हो, जब हालात ज़्यादा देंगे तो फिर फितना की आग भड़का देगा। इसलिए इस्लाम को ऐसी सुलह से कोई दिलचस्पी नहीं जिसकी बिना जुल्म पर हो और जो ना पायदार हो। पीछे देखें अब दोबारा जरा आयत नंबर 10, इन्नमल मोमिन बेशक मोमिन आपस में भाई भी हैं, बस तुम सुलह करवा दो दरमियान अपने भाइयों के, और तुम डरो अल्लाह ताला से शायद कि तुम पर रहम किया जाए। इन्नमल मोमिनून इख्वातुन, तमाम मोमिन आपस में क्या है भाई हैं, शायद करीम में मुसलमानों में बाहरी मोहब्बत और प्यार और उल्फत एहसास के जज्बात को बेदार करने के लिए फरमाया जा रहा है कि अहले ईमान तो सबके भाई हैं, इनका नफ़ा और नुकसान उनकी खुशी और गमी उनकी फतह और शिकस्त सब एक है। अहले ईमान का कहना जो खूनी भैया उनका नहीं कहा है ना, खूनी भैया में तो ये चीज़ नहीं होती ना, होती है खूनी भाई भी कोशिश करे कि आपस में इत्तफाक से रहें। इस आयत करीमा में मुसलमान बाकी मोहब्बत और प्यार और उल्फत एहसास के जज्बात को बेदार करने के लिए फरमाया गया है जा रहा है कि अहले ईमान तो सके भैया, इनका नफ़ा और नुकसान उनकी खुशी और गमी उनकी फतह और शिकस्त सब एक है। ये थोड़ी सी रंजिश जो पैदा होगी बिल्कुल आर्जी नियत की होती है, जो तो बाद का थोड़ी सी रंजिश पैदा हो भी जाती है ये कौन सी होती है आर्जी तौर पर, फिर आपस में भाई आपस में सारी वो कदूरा दुश्मनी क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं, फिर आपस में भाई भी बन जाते हैं, इनके भाई हुआओं पर फाड़ जाए कि मुदाखलत करके इनके दरमियान सुलह करवा दे ताकि वो पहले की तरह फिर शीर व शकर हो जाए। हुआ तो हदीस की रोशनी में चंद हदीस है, तर्जमा फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भैया ना उस पर जुल्म करता है ना उसे बेयार मददगार किसी जालिम के हवाले कर देता है। नंबर 2, अल्लाह ताला अपने बंदे की उस वक्त इस बंदे की मदद फरमाते रहते हैं जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद व इयानत में लगा रहता है। इयानत का मतलब ही मदद करना होता है।
अगर दो जहाँ से मैं जाकर मुसलमान अपने भाई के लिए उसके दम मौजूद किया तम में उसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और कहता है कि यही दुआ तेरे हक में भी मकबूल हो। फरमाया तुम मुसलमानों का एक दूसरे पर रहम करने, बाप में मोहब्बत करने और शफकत करने में एक जिस्मानी इंसानी जिसम इंसानी की तरह देखोगे, अगर इसके एक उज़्व में तकलीफ हो तो बदन के सारे अज़ा बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाते हैं। यानी अगर सर में दर्द है तो सिर्फ सर में दर्द तो नहीं होगा, पूरा जिस्म उसमें तकलीफ में मुब्तला हो गए। पीछे देखे जिससे पूरी बात बोल जाए। हाँ, जिससे पूरी बात क्या हो जाए, वाज़े हो जाए, उसे क्या कहते हैं जुमला, जिसमें इसम भी हो, फेल भी हो और हर्फ भी हो, अगर जो भी हो चाहे दोनों इसम हो या जो हर्फ हो उससे क्या हो जाए, पूरी बात क्या हो जाए, वाज़े हो जाए। इसम किसे कहते हैं, नाम को कहते हैं, ठीक है। यह क्या हो गया जुमला इस्मिया, जुमला की पहले तरीफ देखे फिर इस्मिया देखते हैं। देखिए जुमला के अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात वाजे हो जाए उसे जुमला कहते हैं, ठीक है ना। मैं मदरसा गया, मैं कॉलेज गया, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें क्या हो रही है, पूरी बात क्या हो रही है, वाजे हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। अब जुमला की किस्में, जुमला की दो इकसाम है, जुमला इस्मिया नंबर एक, जुमला इस्मिया नंबर दो, जुमला फेलिया, ठीक है। जुमला के अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात वाज़ह समझ आ जाए उसे क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। अब जुमला की कितनी इकसाम है, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इसम फिर इसम किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, काम को। इसका मतलब है इसमें क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इसम होंगे, इसमें क्या होगा, इसम भी होगा और फेल भी होगा। यहाँ तक समझ आ गई बात, जुमला इस्मिया की तरफ। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसका पहला जूज इसम हो, पहला जूस क्या हो, इसम किसको कहते हैं, जुमला इस्मिया के पहले जूस को, पहले जूस को क्या कहते हैं, मुफ्तता, और दूसरे को क्या कहते हैं, खबर। जुमला इस्मिया जिस कहते हैं, जिस जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसका पहला जूस क्या हो, जुमला इस्मिया क्या होता है जिसका पहला जूस इसम हो, पहला जूस क्या हो, इसम हो। जुमला इस्मिया के पहले जूस को क्या कहते हैं, मुब्तदा, दूसरे को खबर। देखिए अब जरा मिसाल देखिए फिर समझ आ जाएगी। अल्लाह हो, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, पहला जूस क्या है, इसकी पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त क्या थी, पहला जूस, पहला जूस क्या है, और पहले जूस को क्या कहते हैं, मुब्तदा। किसलिए कहते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रही है, जुमले की इब्तदा हो रही है, ठीक है। ये क्या है, मुब्तदा। अब देखिए गफूर रहीम वैसे क्या है आपके जहन के मुताबिक, इससे बताया सिफत पहले पहले शाबाश, ये क्या है, अल्लाह ताला की क्या है, सिफती है। अब हम गफूर कहते हैं सिफत को, सिफत शाबाश, सिफत नंबर, सिफत नंबर,
सिफत दोनों सिफतें मिलकर क्या होगा? कपा, ठीक है ना? सिफत नंबर और सिफत नंबर एक और सिफत नंबर दो मिलकर क्या हो गया? मुफ्तता पे कपर से मिलकर क्या हो गया? जुमला इस्मिया हो गया। आई समझ? बात समझ? पीछे वाले आप कोई है? रोल नंबर चार, आप पढ़ी पे आप तवज्जो नहीं दे रहे, समझ आ गई है? यहाँ तक सब बच्चों को समझ? आप कोई है? मुफ्तदा, मुफ्तदा अपने खबर से मिया का क्या हुआ? जुमला इस्मिया हुआ। अब आगे देखें, मुफ्तदा अमूमन मार्फा होता है। तीसरी शर्त क्या है? मार्फा क्या होता है? खास चीज को मार्फा किसको कहते हैं? मुफ्तदा और खबर अमूमन मरफू होते हैं। आगे वो कहते हैं मुफ्तदा और खबर क्या होते हैं? मुफ्तदा जमा खबर, वो क्या होते हैं? मरफू। अब हम देखते हैं मरफू किसको कहते हैं। आगे क्या पीछे वाले? तीनों को नहीं आता? आप बताएं रोल नंबर 13 मफू किसे कहते हैं? मफू हाँ, आप बताएं। मैंने वैसे पहले बताया भी था मफू किसे कहते हैं, नहीं बताया? नहीं बताया, नाम भी याद होता है। अच्छा आप बताएं रोल नंबर 13 मफू किसे कहते हैं? आपने बताया नहीं? मैं आपको नहीं बताया था? ठीक है, वो कहते हैं मुफ्तदा और खबर अमूमन मरफू होते हैं। इसपे भी रफा पेश, इसपे भी रफा पेश, इसपे भी रफा पेश। दो पेश, चाहे दो पेश चाहे एक पेश, पेश तो है, पेश तो है, उसको तन्वीन कहते हैं, उसको तन्वीन कहते हैं। दो पेश आ गए, पेश आ गए, तन्वीन कहते हैं उसे। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखें, जैसे जैद और खालिद, बस रोशन है, जैद और आलेमन, जैद क्या है? इसम है, मुफ्तदा। ये क्या है? हमने क्या कहा था जुमला सिंगी में? पहला जुज क्या होता है? इसम होता है। मुफ्तदा अपने खबर खबर से मिलकर क्या हुआ? आया सबको? आ गया जहाँ से, जहाँ से नहीं है दोबारा पूछना, मैं फिर आगे ज्यादा बच्चे देखते नहीं है ना, अपलोड नहीं होता। 30 मिनट से ज्यादा अपलोड नहीं होता? नहीं होता, मुश्किल से 1 घंटे दिख रहा है। अच्छा आगे देखिए, आप बस छोड़े यहाँ तक समझ आ गया? जी मैं सब क्या एंड में लगा देती हूँ, एंड में लगा देती हूँ, काफी सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, डिस्टर्बिंग होती है। अब क्या आगे रिपीट करूँ? ये वाला जुमला इस्मिया वाला किस से शुरू से बनाने जो पड़ा है? अब बंद कर दे, रिवाइज कर।